ये यहाँ पे डब्बा आता है 1 लीटर का पीक मिल करके। ऑनियन हाउ मच इस? ये 4 पीस है 20 सिड्डी के, तो मतलब हो गए। एंड कैरेट हाउ मच? तो दोस्तों अभी मैं नहा के आ गया हूँ, आप देख सकते हो अभी जस्ट नहा के आ गया, एकदम रेडी हूँ और तैयार हो गया हूँ। और अभी अपन निकलते हैं ऑफिस के लिए, नाश्ता आज अपन करेंगे नहीं और आज चलते हैं सीधे ऑफिस। अभी जूस पियेंगे, जूस पी के फिर ऑफिस निकलते हैं और ऑफिस चल के आज देखते हैं आज का क्या सीन होता है। कल जैसे कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था यहाँ का क्लब वगैरह यहाँ के कैसे होते हैं, यहाँ की नाइट मैंने आपको दिखाई, इंडिया से बहुत अलग होती है यहाँ पे, आप लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। तो अभी अब निकलते हैं ऑफिस के लिए, रेडी हो गए हूँ और ऑफिस निकल के फिर अभी देखते हैं ऑफिस पहुँच के अपन पहले अपना ऑफिस का काम करेंगे, उसके बाद में जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर कहीं बाहर चलने का, अगर कहीं का कुछ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी निकलते हैं घर से। अभी अपन निकल गए हैं घर से, आप देख सकते हो अभी अपन रास्ते में जा रहे हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, अभी तो रोड से मौसम अच्छा रहता है, लेकिन अभी सुबह सुबह थोड़ी धूप सी निकल गई थी बट अब फिर से ठीक हो गया था, बराबर देखो एकदम अच्छा बढ़िया। A few moments later. तो अभी अपन चल रहे हैं सब्जी लेने के लिए मार्केट में और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसे क्या सब्जी किस हिसाब से मिलती है और कैसी दुकान होती है। अभी अपन चलते हैं, आप देखना। अभी मैं एंटर हो गए अंदर गली में और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक डिडी पास करके रेस्टोरेंट ऊपर और यहाँ पे एक सब्जी की दुकान है। अभी चलते हैं अपन, आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे रोड पे तो काफ़ी दुकानें हैं लेकिन वहाँ पे अपन को सब्ज़ी मिलेगी नहीं, सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा टमाटो मिल जाएंगे और ग्रीन चिल्ली मिल जाएगी, यहाँ पे अपन को सभी सब्जी मिलेगी। और यहाँ पे ये एक डीडी पास रेस्टोरेंट है, ये रात को यहाँ पे ओपन होता है, अभी तो बंद है, शाम को होगा ओपन 6 बजे। और यहाँ पे भी ऐसे मतलब क्लब की तरह ही होता है, इसमें नाइट ऊपर टेरिस पे प्रोग्राम होता है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये सब्जी की दुकान है यहाँ पे, इस तरह की एक दुकान है यहाँ पे, आपको सभी तरह की सब्जी मिल सकती है। बाकी बाहर तो अपन को इतनी सब्जी नहीं मिलेगी, उनको मिलती है यहाँ पे ताज़ा सब्जी आती है उनके पास में, आप देख सकते हो। एंड कैरेट हाउ मच? ये 10 सिड्डी की, मतलब इंडिया की 80 रुपये की, 6 पीस आप देख सकते हो उसमें। और ऑरेंज हाउ मच? हाउ मच ऑरेंज? ये 4 पीस है 20 सिड्डी के, तो मतलब हो गए 180 रुपये के 4 पीस। हाउ मच कुकुम्बर? 2.5 सिड्डी, 8 रुपये के 2 पीस। ऑनियन हाउ मच इस? ये 180 रुपये के, इसमें मेरे हिसाब से 1.5-2 किलो ऑनियन है, आप देख सकते हो। एंड पोटैटो? ये भी 180 रुपये के हैं, ये भी 1 किलो आलू आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे पैकिंग की भी मिलती है आपको। अभी अपन चल रहे हैं बाहर यहाँ से, आपका जो मेन टाउन है आप देख सकते हो, मैं मेन टाउन में हूँ और यहाँ का ये आप देख सकते हो मेन टाउन का। तो दोस्तों अभी घर पे पहुँच गए हैं और बाहर बहुत तेज़ मौसम ख़राब हो रखा है और बारिश आ रही है। और आज सुबह मैंने आपको बताया था जैसे कि अपने ऑफिस गया था सुबह, मैं ऑफिस जाने के बाद में आज सुबह फास्ट था मैं उठा था, उसके बाद में आज लड़की भी नहीं आई थी नाश्ते के लिए, फिर मैंने देखा आज तो फास्ट है तो आज जन्म उसका एकादशी का मैंने आज फास्ट कर रखा था, तो इसलिए अभी मैं घर पे पहुंच गया हूँ और अभी सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो अभी बाहर हो रहा है मौसम एकदम अच्छा, बाहर बारिश हो रही है, तो अपन अभी चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं, चाय पीने का मन करता है और फ्रूट्स वगैरह थोड़ी देर में खाएंगे अपन। और अभी अपन पानी लेते हैं पहले तो, और पानी का पाउच लिया अपन ने और ये इसमें डाला थोड़ा सा, उसके बाद में अपन अभी अपनी गैस ऑटोमेटिक है, देखो माचिस की ज़रूरत ही नहीं है, अरे अभी ये चल गई है, अभी इधर चाय पत्ती की इधर ये रखी और चाय पत्ती का डब्बा खोला अपन ने और उसके बाद में अपन अभी इसमें चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डाल के थोड़ी सी और
सारे पत्ते डाल के अभी अदरक लेके आते हैं फ्रिज में से। चलो फ्रिज में से थोड़ी अदरक लेके आते हैं। अदरक निकाली और अदरक काफी है, अदरक डाल दी है, अदरक अदरक अभी देखो अदरक डाल दिया अपन इसमें और अभी अपनी फ्राई बन जाएगी। थोड़ी गैस कम कर देते हैं और अभी अपन लेके आते हैं दूध। चलते हैं अपन फ्रिज में से। अभी अपन ने दूध निकाल लिया, ये यहाँ पे डब्बा आता है 1 लीटर का पीक मिल करके, और अभी अपना ऑलमोस्ट तैयार है। अभी इसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं, बहुत है इतना, एक जने को मेरे को ही पीनी है वैसे तो। अभी अपन ने दूध डाल दिया, अब डालेंगे इसमें चीनी। चीनी डाल के और अभी अपन चीनी डाल, चीनी की डालते अपन 1 चम्मच। यहाँ की चीनी है ना मीठी नहीं होती ज़्यादा, तो अपन को ज़्यादा डालनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये डाल देते हैं 3 चम्मच तो बहुत है। अभी आप देख सकते हो अभी अपन ने इसमें चीनी वगैरह डाल दी, अभी चाय बन जाती है अपनी। और आज जैसा कि आपको बताया था कि सुबह ऑफिस गया था, उसके जाने के बाद में मैं घर पे आ गया था शाम को। अभी चाय बना रहे हैं और आज क्या बोलते हैं, आज थोड़ा फास्ट था उसकी वजह से थोड़ा थकावट सी लग रही थी, इसके लिए कहीं बाहर नहीं गया। बस सब्जी लेने गया था थोड़ी देर बाहर, तो बाकी सब्जी लेने के बाद में सीधा मैं घर पे आ गया था। और अभी अपन कल के ब्लॉग में आपको देखते हैं, कल कहीं बाहर चलेंगे। आज तो मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो जब तक बारिश हो रही है, बारिश दिखाता हूँ बाहर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बारिश हो रखी है बाहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी चलते हैं अपन बाहर। आप देख सकते हो ये बारिश हो रही है, अपनी बाइक खड़ी है और मौसम कैसा हो रखा है, मौसम बहुत ख़राब है बाहर, मौसम ख़राब है, तेज़ बारिश हो रही है। लाइट भी जा सकती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली जाए। अपने पास में जनरेटर भी है और पंखा भी है, तो ज़रूरत ही नहीं अपन को। और तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया बाहर बारिश हो रही थी, अभी अपनी ऑलमोस्ट चाय तैयार है और अपन चाय पियेंगे। अभी बारिश के मौसम में तो चाय का मज़ा ही कुछ अलग है। और आज वैसे भी कहीं बाहर नहीं गया था फास्ट की वजह से, ऑफिस से सीधा घर पे आ गया था, मौसम भी ख़राब है। तो अपन चलेंगे कल कहीं पे बाहर, कल आपको दिखाता हूँ। और कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपको और कुछ यहाँ पर देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, आपको क्या देखना है यहाँ पर। अगर आप जो भी मतलब यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कल, आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था क्लब वगैरह यहाँ पे, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्लब का, क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है चैनल पे, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी अपनी चाय तैयार है, अपनी चाय एकदम तैयार है। अभी देखो 2 मिनट में अपन चाय बन गई है ऑलमोस्ट, और ये अपना चाय के लिए कप लिया, कप लेके एक कप ले लिया अपने और इसमें चाय डाल दी। चाय तैयार हो गई है, चाय अब इसके अंदर चाय डालते हैं। अरे स्टारबक्स का अपने पास का आप देख सकते हो, और चाय तैयार है। और अभी अपन चलते हैं चाय लेकर रूम में, चाय बन गई है गेट के और अपने रूम में आ गए अपन, अब चाय पियेंगे। बाहर बारिश तो रखी है लेकिन चलो कोई नहीं, चाय पीते हैं। और अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको बताना आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे, मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। और रोज़ आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी चाय पीते हैं, चाय पी के फिर कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, फिर सोएंगे और मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और अपन मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। फिर देने कारे गलों बिच कल तू डाली जहां।